शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अरे ये तुम क्या कर रहे हो? Are you gonna mad? रुको मैं आता हूं। नहीं मैं ठीक हूं। मीना 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 क्या हुआ? मीना मीना अरे मीना 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 कौशल मम्मी माँ मीना 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 नहीं मीना अरे कुछ नहीं माँ कौशल डॉक्टर को बुलाओ। मीना 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 माँ कौशल मीना मीना इतनी जल्दी जब छोड़कर जाना ही था फिर मेरी जिंदगी में आई क्यों थी? पता है तुम्हारे बिना जिंदगी जीने का ना मजा ही नहीं आता। वो तो बस मेरी माँ है जिसकी वजह से मैं जीने की कोशिश कर रहा हूं। नहीं लड़की के हंसने की आवाज कौन हो सकता है? मां तो सो रही है। कौशल सुनो अपनी माँ को बोलो कि पेट की भूख की तरह जिस्म की भूख भी बहुत जरूरी होती है। या तो तुम्हारी शादी करा दे या मुझ जैसे कोई तुमसे मिलने की आजादी दे दे। बात तो कर सही है। माँ से बात कर। कौशल अरे तो भैया ये कहाँ से आके? अरे दरवाजा खोल कौशल। तुम काम करो एक कबर्ड में छुप जाओ। है कौशल मैंने कहा दरवाजा खोल। नहीं कहाँ जाओ? बुरा आइडिया। तुम ना खिड़की से निकल जाओ। दरवाजा खोल कौशल जल्दी करो। अरे क्या बोल रहे हो आप? कौन थी यहाँ? किससे बात कर रहा हूँ बता। कौन थी? कोई दिख तो नहीं दिया आपको? पूरा कमरा फीमेल परफ्यूम से महक रहा है। बेवा को समझाए मुझे। अरे यार आप भी ना अगरबत्ती की खुशबू का परफ्यूम की खुशबू समझ रहे हो? कौशल मैंने अपने कानों से किसी लड़की की आवाज सुनी है इस कमरे में। मुझे सीधा सीधा जवाब दे कौन थी वो। आपके कानों का जवाब ना एक डॉक्टर देगा। आप एक काम करो आप एक अच्छा सा डॉक्टर ढूंढिए और उसे पूछे कि आपके कान क्यों बजते हैं। ठीक है घर में कोई लड़की तो है नहीं
नहीं और माँ लिपस्टिक लगाती नहीं है, तो फिर ये लिपस्टिक किसकी है? तू लगाता है क्या? देख कौशल, एक बात मेरी कान खोलकर अच्छे से सुन ले, अगर कल कोई भी लड़की हमारे दरवाजे पर ये शिकायत लेकर आएगी ना कि तूने उसके साथ में कुछ गलत किया है, तो एक बात याद रखना, हम तेरी शादी उसी से करवाएंगे। इसीलिए कहता हूं, इधर उधर मुंह मारना बंद कर और अपने करियर पर, अपनी लाइफ पर फोकस कर। बाय रियो। सुंदर है, सुशील हर संस्कारी एमबीए की आई थी। पंडित जी, मुझे तो इस लड़की की नाक टेढ़ी लग रही है। कहाँ मेरा चांद जैसा हिमांशु और कहाँ ये, देखिए जरा। वो लग रहा है तो नाक टेढ़ी ही होगी। कोई तो लड़की दिखाइए मेरे हिमांशु के टक्कर की। अरे माँ, आप तो फालतू में वक्त खराब कर रही हो। आप तो टिकट करा लो और वहां जाओ जहां अप्सरा और मेनका जैसी लड़की मिले। अच्छा, कहां का टिकट करवाऊं? कहां मिलेगी ऐसी लड़कियां? स्वर्ग लोग, वहां शायद आपको आपके पसंद की लड़की मिल जाए, या तो मिलना मुश्किल। अच्छा, खैर तुझे। अरे माँ, मैं तो मजाक कर रहा हूँ सच्ची। अरे माँ, तुझे तो ना छोड़ूंगी। अरे मजाक कर रहा था, मुझे चाहता कि मैं मर जाऊं, है ना? अरे 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 माँ 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 माँ, रुको, क्या कर रहे हो? छोड़ो इसे। अच्छा, तू इसकी तरफदारी कर रहा है? इसने तेरी जेब से पैसे निकाले थे ना? लगा दी चुगली, पड़ गई ठंड। अरे भाई, कोई चुगली नहीं की है मैंने तेरी। माँ इल्जाम लगा रही थी नौकरानी पर, इसलिए बताना पड़ा। बस बस रहने दो, मैं सब जानता हूँ। तुम हमेशा मेरा पत्ता काट कर अपनी जगह बनाते हो। कौशल, क्या बक रहा है तू? बकवास नहीं कर रहा हूँ मैं, सच बोल रहा हूँ। अब तो मुझे भी ये लगने लगा है कि आपकी सगी औलाद मैं नहीं, हिमांशु भैया। अरे ऐसा नहीं है यार। कौशल, पकड़ा गया क्या? कुछ भी बोल रहा है। सही तो कह रहा है माँ, मैं जो आ गया उसका प्यार बांटने के लिए। माँ का प्यार इतना तंग नहीं होता जो बांटने से कम पड़ जाए। तो क्या हुआ अगर मैंने तुझे जन्म नहीं दिया? तू भी तो इसी खानदान का खून है, मेरे जेठ की औलाद है तू। जितना प्यार कौशल का मुझ पर है ना, उतना ही तेरा भी है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ, तुम्हारे प्यार में कोई फर्क नहीं है। अच्छा एक मिनट, और ये लो माँ, मेरी इस महीने की कमाई। कौशल भी तेरी तरह रास्ते पर आ जाए, सब ठीक हो जाए। सब ठीक होगा माँ, वो भी रास्ते पर आ जाएगा। कौशल, आवाज नहीं, मां जग जाएगी। संभाल अपने आप को, तू फिर से दारू पी के आया? यार एक बात बताओ, तुम्हें इस पूरी दुनिया में और कोई काम धंधा नहीं है? जब देखो मेरे पीछे पड़े रहते हो, बीवी हो मेरी, हाँ? भाई हूँ मैं तेरा। तो भाई हो तो भाई की तरह रहो ना, टीचर बनने की क्या जरूरत है? जब देखो प्रवचन प्रवचन प्रवचन, फलाना ढिमकाना। अरे छोड़ यार, मुझे ना बहुत नींद आ रही है, सोने जा रहा। तू वैसे भी होश में तो है नहीं, कुछ समझ तो जाएगा नहीं इस वक्त, तो सो जा। समझ में तो मुझे सब कुछ आ गया। ताऊ जी की छोड़ी हुई जायदाद का अकेले बारिश होना, इसी बात की अकड़ है। चिंता मत, इसका भी लाल ढूंढ लिया मैंने, सारी अकड़ निकाल दूंगा। हिमांशु जी। माँ, कल रात कौशल कितने बजे घर आया था? जल्दी आ गया था, जब आप सोने गए थे तभी आ गया था वो। अच्छा,
तू अपनी माँ से झूठ बोलेगा? हाँ, तुझे पता है तू जब भी झूठ बोलता है ना तो तेरे कान लाल हो जाते हैं। बचपन में जब भी तू मुझसे कोई बात छुपाया करता था ना तो तेरे कान देखकर मैं फौरन समझ जाती थी। सॉरी माँ, लेकिन आपने प्लीज कौशल को कुछ मत कहना, वरना उसे लगेगा कि मैंने उसकी फिर से चुगली लगा दी है। अरे इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? हाँ, क्यों नहीं। अच्छा एक मिनट माँ, आपको याद है जब आप बहुत बीमार थे, आपका ब्लड ग्रुप भी नहीं मिल रहा था, तो एक अंजलि नाम की लड़की ने आपको ब्लड दिया था। हाँ, वो दुबली पतली सी थी। हाँ वही, उसी का फोन है, आपसे बात करना चाहती है। अच्छा हाँ, अलग। हेलो। हाँ बेटा, बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो? अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, अच्छा। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत अच्छा लगेगा तुम आओगी तो। हाँ बेटा, अपना ही घर समझो, ठीक है? ठीक है। वो यहाँ आने वाली है? हाँ वो यहाँ आ रही, उसका कोई एंट्रेंस का एग्जाम है, तो बोल रही थी मैं यहाँ आकर रुकूंगी कुछ दिन के लिए। मैंने कहा आ जाओ, अपना ही घर समझो। अरे अच्छा किया माँ आपने। अब एक काम करते हैं, कौशल को मेरे रूम में शिफ्ट कर देंगे और जो वो आएगी तो उसको कौशल के रूम में शिफ्ट करवा देंगे। हाँ ये भी ठीक है। वैसे वो आ कब रही है? आज ही आ रही है। मैं अंजलि, आप केशव है ना? केशव नहीं, कौशल, नाम तो सुना ही होगा। कौशल बस। ओह आई एम सो सॉरी। फ्रेंडशिप में नो सॉरी नो थैंक यू। या कौशल, इन्हें यहीं खड़ा रखोगे? आई ना। श्योर कम इन। नमस्ते आंटी। नमस्ते। नमस्ते बेटा, मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। अरे वाह, अच्छी खासी हेल्दी हो गई तुम तो। हाँ, जब घर ढूंढने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छी बात। अच्छा आंटी, मैं वो पूछ। अरे बातें तो होती रहेंगी, पहले मैं आपका कमरा दिखाता हूँ, चलिए। मानसु बेटा, हो क्या गया इस लड़के को? तो जाके संभाल, पता नहीं कैसी उठ पटांग हरकतें कर रहा है। हाँ मैं भी वही देख ही रहा हूँ, मैं देखता हूँ। आइए आइए आइए। तो ये है आपका कमरा। अच्छा सुनो, हाँ तुम ठीक हो ना? आई होप यू लाइक द रूम। कमरा तो आपका बहुत अच्छा है, वैसे आते टाइम मैंने देखा आपके यहाँ एक स्विमिंग पूल है। I love swimming. अच्छा, मुझे तो पानी देख कर डर लगता है। स्विमिंग पूल होने के बावजूद आपको स्विमिंग करना नहीं आता? तैरना ही नहीं आता, स्विमिंग क्या करूंगा। हाँ एक बार ट्राई किया था मैंने, मरते मरते बचा था मैं। Oh my God. कौशल, अंजलि जी का सामान लेकर आओ। आप बंद खिड़कियों में ना, मुझे बहुत घुटन होती है, मैं खिड़की खोल दूं? कोर्स आप खोल सकते हैं, खोल दीजिए। के पास बैठती हूँ। ये क्या बदतमीजी थी? वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इतने बड़े ठरकी हो ना तुम, पता नहीं था। देख
कौशल। हाँ माँ, आता हूँ। क्या कर रहा है यहाँ पे? पानी देने आया था। अब रात को बेचारी को प्यास लगी तो क्या पिएगी? ऊपर चल चुपचाप। नहीं जाऊंगा। ठीक है, मैं माँ को बुलाता हूँ। माँ ठीक है, जा रहा हूँ। अभी खत्म नहीं हुआ है, चलो ये भी करो। नो, कम ऑन कम ऑन। नाउ थोड़ा ट्विस्ट। अच्छा एक मिनट, अब इसको बोलते हैं फिनिशिंग टच। कैसा लग रहा है? बहुत रिलैक्सिंग। अच्छा लगेगा। अच्छा ये स्ट्रेच करो। कम ऑन। ओके फर्स्ट पहले सांस अंदर लो, सांस छोड़ो। हाँ अब नीचे वाला स्ट्रेच करो, करो करो थोड़ा और। नहीं नहीं। अरे जाएगा जाएगा, चलो और नीचे थोड़ा और। नो कौशल, ये क्या बदतमीजी है? क्या कर रहे तुम लोग? एक्सरसाइज कर रहे हैं और क्या है ना अंजलि? अरे कौशल मेरा बैक स्ट्रेच करवा रहा था, मैंने ही उसे कहा है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है अभी। देखा? ओ माय गॉड, मैं तो भूली गई, मुझे इंटरव्यू के लिए लेट हो रहा है। अरे डोंट वरी, मैं छोड़ दूंगा ना। नहीं कोई जरूरत नहीं है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, रास्ते में छोड़ दूंगा। आप चलिए चलकर रेडी हो जाइए। इतनी रात गए यहाँ क्यों बैठे? सोया क्यों नहीं अभी तक? अब सोने के लिए भी परमिशन लेनी पड़ेगी क्या? अरे यार मुझे आपसे बातें नहीं करनी। क्या बोल रहा है यार? ठीक ही तो बोल रहा हूँ, मजा आ गया होगा ना अंजलि के सामने मेरी बेइज्जती करके। देख मेरी बात सुन, तू वहां जो हरकतें कर रहा था क्या वो ठीक थी? कैसी हरकत? मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, थोड़ी मजाक मस्ती चलती है जिसका वो बुरा भी नहीं मान लेती, लेकिन तुम्हें मिर्च लग गई। चल ठीक है मान लेते हैं मेरे समझने में गलती हो गई, अब गुस्सा थूक दे और चला दोनों भाई साथ में दारू पिएंगे, क्या बोलता है? मैं अपना ग्लास ले आऊं। ठीक है। ये बात कौन आ गया? अरे मेरे भाई मजा मजा आ गया। अच्छा मजा आ गया। लगता है मैं गलत टाइम पे आ गई हूँ। अरे अंजलि जी देखिए टाइम गलत नहीं होता, इंसान गलत होता है। हम तो अच्छे इंसान है ना भैया? बिल्कुल। नहीं नहीं मैं अपने रूम में जाती हूँ। अरे अंजलि जी सुनिए, मैं छोड़ आता हूँ ना आपको। कौशल
अंजलि जी को जाना है तो जाने देना यार, तू रुक क्यों रहा है? मैं छोड़ाता हूँ। अरे नहीं नहीं, तू तेरी बहुत हो गई है, तू सो जा। अगर मैं सो गया तो उनको छोड़ने कौन जाएगा? मैं जाऊंगा ना, मैं जाऊंगा। अंजलि जी हाँ चलिए आप। हाँ जी हाँ। दरवाजा क्यों बंद किया आपने? छोड़ मुझे, छोड़ दो। मैं चिल्लाऊंगी, मैं शोर मचाऊंगी, दूर रहो तुम मुझसे, अच्छा नहीं होगा। गलत, झूठ बोल रही है तू। दुनिया चाहे इधर की उधर की ना हो जाए, लेकिन मैं मान ही नहीं सकती कि मेरा हिमांशु ऐसा काम करेगा। वाह, ये अच्छा है। जब मेरी गलती नहीं भी होती है तो मेरी गलती बताई जाती है, और ये इतना बड़ा कांड करके खड़े हैं और आप मानने को तैयार नहीं? चुप हो जा तू कौशल। क्यों चुप हो जाऊं? की तो शुरू से ही नियत खराब थी। मुझे अब सब समझ में आया। अंजलि को गाड़ी में छोड़, उसके कमरे में जाने की जिद कर, मौका पड़ते उसके साथ चिपकना। वाह भैया वाह, आप तो बहुत बड़े कलाकार हैं। खबरदार, जो हिमांशु के खिलाफ एक लफ्ज भी बोला था। और तू यहाँ खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही है? जल्दी निकल यहाँ से। मुझे भी यहाँ रहने का कोई शौक नहीं है। मैं उस दिन सुबह होने का इंतजार कर रही थी। बैग पैक कर लिया। इस तरह की लड़कियों के हटकंडे मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। हाँ भैया, मानना पड़ेगा, माँ को क्या जबरदस्त गोली देके रखी है ना। अरे शर्म आनी चाहिए आप, मैं जो करता हूँ लड़की की रजामंदी के साथ, आपने तो जबरदस्ती की है, वो भी एक मासूम लड़की के साथ। आप जैसे लोगों को पता क्या कहते, रेपिस्ट। तुम्हारा तो चेहरा देख के भी मेरे को घिन आ रही है अब। छी,
आपको क्या लगता है इतना सब कुछ होने के बाद कोई लड़की चुपचाप बैठी रहेगी? क्या किया तूने? इंसाफ, अब तो तुझे मेरा चेहरा देखकर घिन नहीं आएगी ना? इसके कहने पे, अरे ये तो पागल है, बेवकूफ है, इसे क्या समझ में आता है? इसके कहने पे तू शादी करके आ गया? माँ, इसने जो भी कहा सही कहा, शायद इसकी जगह अगर मैं होता तो मैं भी यही कहता। कौशल, भाभी को प्रणाम नहीं करोगे? हो सके तो सब भुलाकर माफ कर देना। जब रजिस्ट्रार ऑफिस में हम दोनों साइन कर रहे थे, मैंने आपको तभी माफ कर दिया था। एक रिक्वेस्ट और है, प्लीज मेरी माँ को भी माफ कर देना। वो दिल की बुरी नहीं है, मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती है, शायद इसलिए तुम्हें इतना कुछ कह दिया। जानती हूँ, मुझे पता है आप भगवान से भी बढ़कर अपनी माँ को मानते हैं, तो मैं नाराज कैसे हो सकती हूँ? क्या क्या मैंने सब कुछ उजाड़ के रख दिया तुमने। तेरे एक बार उकसाने पर वो हिमांशु शादी करके आ गया। तो इसमें कौन सी आफत आ गई? घर का काम ही करेगी बेचारी। इसकी शादी होने का मतलब समझता है तू? ये घर, उसकी करोड़ों की जायदाद, किसी पे हमारा दावा नहीं रहेगा। और घर में, जिस घर में हम राज करते हैं ना, उसी घर में नौकरों की तरह रहना पड़ेगा। ओ, अच्छा, इसलिए आपको हिमांशु भैया के लिए कोई लड़की पसंद नहीं आ रही? अंजलि तो उनकी बीवी बन चुकी है, आप क्या कर सकते हैं? अंजलि के साथ भी वही करना पड़ेगा जो मीना के साथ किया था। क्या मतलब? तेरे पापा ने हिमांशु की शादी मीना से करा दी। वो बहुत मना किया लेकिन वो नहीं माने। फिर हिमांशु का वारिस पैदा होने वाला था। अपने हाथ से सब कुछ जाता हुआ देख एक ही रास्ता बचा। अरे ये तुम क्या कर रहे हो? आई हो ना मैड? रुको मैं आता हूँ। नहीं मैं ठीक हूँ। मीना भाभी को मारा था? हाँ, मैंने मारा था मीना, लेकिन गलती कर दी। मानशु को भी उसके साथ मार देना चाहिए था। सब कुछ तेरे नाम हो जाता। तो ऐसा क्यों क्यों नहीं? मीना के बाद कुछ ही दिनों में तेरे पापा की मौत हो गई थी। फिर वक्त गुजरता गया और मुझे यकीन हो गया था कि अब हिमांशु कभी शादी नहीं करेगा। उसे अब रास्ते से हटा दूं? लेकिन इससे क्या फायदा होगा? सारी जायदाद उस अंजलि के नाम हो जाएगी।
अंजलि से मैं शादी कर लूंगा, किसी को शक भी नहीं होगा और हमारा काम भी हो जाएगा माँ। अंजलि ने तुझसे शादी करने से मना कर दिया तो? अरे वो कर लेगी। नहीं मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती। तू चिंता मत कर, मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालूंगी। चलें? कहाँ? अरे खाना खाने के बाद थोड़ी सैर करना सेहत के लिए अच्छा होता है। अपने टेरेस के 2-3 चक्कर मार लेंगे, खाना हजम हो जाएगा। मैं बहुत थक गई हूँ, आप चले जाओ। चलो ठीक है, तुम आराम करो, मैं यूं गया और वापस आया। कुछ हो गया, आप प्लीज यहाँ आ जाइए। हाँ एड्रेस लिख लीजिए। जी जल्दी प्लीज। कौशल तूने हिमांशु को क्यों मारा? मैंने नहीं मारा उसे, मैं सोच रहा था आपने मारा उसे। और आपकी छड़ी तो पड़ी थी सीढ़ियों के पास। मेरी छड़ी मां कैसे आई मुझे नहीं पता। अब मैं हिमांशु को मारने की बेवकूफी क्यों करूंगी? सच कह रहा है तूने हिमांशु को नहीं मारा? मां आपकी कसम मैंने नहीं मारा उसे। मतलब हिमांशु सच में सीढ़ियों से फिसल के गिर गया था? हाँ। यानी कि ये हादसा था? खैर जो भी है, मैं अंजलि को पकड़ना होगा, वरना हम कहीं के नहीं रहेंगे। अंजलि माजी, तो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ माजी कहिए ना। बेटा हिमांशु के जाने के बाद मेरी जिंदगी तो जैसे खत्म ही हो गई है। अब जो भी बची कुची जिंदगी बची है वो कैसे भी रो पीट कर मैं काट लूंगी। लेकिन बेटा तुम्हारे आगे तो तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी। बेटा मैं चाहती हूँ कि तुम अपना घर बसा लो। माँ जी आप क्या कह रही है, हिमांशु जैसा इंसान मुझे दोबारा नहीं मिलेगा? हाँ बेटा, मेरा हिमांशु था ही ऐसा, उसके जैसा कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। हिमांशु तुमसे बहुत प्यार करता था, तुम उसकी पसंद थी, उसकी चाहत थी तुम। मुझे तुम्हारे अंदर मेरा हिमांशु नजर आता है। माँ जी आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। नहीं बेटा, मैं अपने स्वार्थ के खातिर तुम्हारी जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती। मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा मेरी नजरों के सामने रहो, लेकिन इस लिबास में नहीं, सुहागन के लिबास में। माँ जी ये कैसे मुमकिन है? मुमकिन है बेटा, अगर तुम कौशल से शादी कर। माँ जी मैंने कौशल को कभी उस नजर से देखा ही नहीं, मैंने उसे हमेशा अपने भाई जैसा माना है। उस नजर से तो तुमने
हिमांशु को भी नहीं देखा था, है ना? लेकिन मांझी, फिर भी तुम्हारी उससे शादी हुई। मांझी मेरी बात सुनने की कोशिश कीजिए। बेटा, मेरे मन में जो बात थी वो मैंने तुम्हें बता दी, मानना ना मानना तुम्हारी मर्जी है। नहीं मांझी, ये नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। उठ। मेरी रातों की नींद उड़ी हुई है और तू मजे से सो रहा है। क्या हुआ माँ? अंजलि का कहना है कि कभी उसने तुझे उस नजर से नहीं देखा। मैं चाहती हूँ कि तू उसकी नजर बदल दे। क्या मतलब? मैं समझा नहीं माँ। आज तू वही करेगा जो हिमांशु ने अंजलि के साथ किया था। फिर मैं देखती हूँ कि अंजलि तुझसे शादी करने को राजी कैसे नहीं होती। अरे मैंने भी तो यही बोला था, आपने मेरी बात नहीं सुनी। अब फिर आप वही बात कर रहे हो। पहले आपने हिमांशु भैया को रास्ते से हटाया, अब अंजलि से मेरी शादी करा के आप उसको रास्ते से हटाना चाहते। क्या पकता है तू? मैंने हिमांशु को नहीं मारा था, वो तो भगवान का कर्म था हम पे जो हिमांशु अपने आप ही हमारे रास्ते से हट गया। क्या ड्रामा कर रही हो माँ? भैया को आपके सिवा और कौन मार सकता है? देख, बेकार की बात मत कर, समझा? और अंजलि के कमरे में जा, उसको अपनी ओर आकर्षित कर। प्रॉपर्टी ना हमारे हाथ से किसी भी कीमत पर नहीं जानी चाहिए, समझा तू? ठीक है माँ, आपका हुक्म सर आंखों पे। आ गए तुम? मैं तुम्हें बुलाने की सोच ही रही थी, फिर सोचा बुड्ढी जग रही होगी तो थोड़ी देर रुक जाती हूँ। अरे उन्होंने तो जबरदस्ती तुम्हारे पास भेजा ताकि तुम्हारे साथ मनमानी कर सकूं और तुम शादी के लिए राजी हो जाओ। वक्त भी अजीब खेल खेलता है ना। कल तक जिस माँ से डर के मैं छुप छुप के आया करती थी, आज वही माँ तुम्हें मेरे पास जबरदस्ती भेज रही है। माँ की नीयत के बारे में अगर पहले ही पता होता ना तो तुम्हें यहाँ आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हिमांशु को मैं पहले ही साफ कर दूँगा। चलो, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। अब हम दोनों के पकड़े जाने के कोई चांसेस नहीं। हिमांशु के कत्ल में अगर कोई पकड़ा जाएगा तो पकड़ी जाएगी मेरी माँ निर्मला दे। वो कैसे? ऐसे, आपने मीना भाभी को मारा था? हाँ, मैंने मारा था मीना, लेकिन गलती कर दी। हिमांशु को भी उसके साथ मार देना चाहिए था, सब कुछ तेरे नाम हो जाता। वाह मेरे राजा, मान गई मैं तुमको, तुमने तो कमाल ही कर दिया। अरे मैंने कमाल नहीं किया, माँ की छड़ी ने कमाल किया। हिमांशु की पहली पत्नी मीना के कत्ल के वक्त भी वो छड़ी वहां थी, और जिसका सबूत इस फोन में, और हिमांशु के कत्ल के वक्त भी ये छड़ी उसके लाश के साथ पाई गई, तो केस क्लियर। अच्छा, तो अब मुझे समझ में आया कि हिमांशु को मारकर तुमने वो छड़ी उस पे क्यों फेंकी। वाह, मान गई तुमको। अच्छा, इसके बाद क्या है रहा? शादी। अब जिस दिन हमारी शादी होगी उस दिन होगी इस बुड्ढी की गिरफ्तारी, और हम मनाएंगे अपना हनीमून। तो क्या हुआ अगर मैंने तुझे जन्म नहीं दिया? तू भी तो इसी खानदान का खून है, मेरे जेठ की औलाद है। जितना प्यार कौशल का मुझ पर है ना, उतना ही तेरा भी है। मैं जो आ गया उसका प्यार बांटने के लिए। माँ का प्यार इतना तंग नहीं होता जो बांटने से कम पड़ जाए।
कहाँ खोई हुई हो? इतनी गहराई से क्या सोच रहे हो? हाँ, वो मैं सोच रही थी कि मुझे इतना सब कुछ करने की जरूरत ही क्या? मैं हिमांशु से उसकी दौलत तो क्या, उसकी जान भी मांग लेती तो वो खुशी खुशी दे देता। अरे नहीं माँ, बहुत ढीठ था वो, आप उसे समझ ही नहीं पाए। सही कह रहे, मैं उसे समझ ही नहीं पाई। ये सब छोड़ दो, ये बता अंजलि मान गई या नहीं? कैसे नहीं मानती, आपका टोटका काम कर गया। चलो अच्छा है, अब मैं पंडित जी से कहकर शुभ मुहूर्त निकलवा दूंगी। तू एक काम कर, बाजार से 5 पान के पत्ते, 1 मिट्टी की हांडी और सफेद फूल लेकर। पान के पत्ते, सफेद फूल, ये सब किस लिए? तेरी माँ का अलग किस्म का टोटका है, जा जाकर लेकर आ, मैं पंडित जी को फोन करती। ठीक है माँ। अरे मेरे फोन में तो बैलेंस ही नहीं है, तो एक काम कर, तेरे फोन से मिला कर। अच्छा ठीक है, एक सेकेंड जी। रोमा। हाँ पंडित जी, मैं निर्मला देवी बोल रही हूँ। हाँ वो क्या कर? अरे मेरा फोन तो दो। फोन कहाँ भागा जा रहा है, मुझे एक दो कॉल और भी करनी है। क्या क्या जल्दी? चलिए ठीक है। अगर मैंने तुझे जन्म नहीं दिया, तू भी तो इसी खानदान का कुली है, मेरे जेठ की औलाद है। जितना प्यार कौशल का मुझ पर है ना, उतना ही तेरा भी है। माल ये ले आया हूँ। हाँ ला दे। माँ मेरा फोन। हाँ हाँ ये ले। कौशल। हाँ? मैं सरेंडर कर रही हूँ, मैंने पुलिस को फोन करके एक बाले जुर्म कर लिया। सरेंडर मतलब? तेरा तो काम आसान हो गया। क्या मतलब? मुझे हिमांशु की पहली पत्नी का कत्ल करने की सजा मिलेगी और तुझे हिमांशु और हिमांशु की दूसरी पत्नी अंजलि का कत्ल करने की सजा मिलेगी। अंजलि? अंजलि को आपने कुछ किया तो नहीं ना? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, तूने किया। कल रात उसका रेप, और फिर इस डर से कि कहीं वो तुझे एक्सपोज ना कर दे, उसे मार डाला। और जब पुलिस अंजलि की लाश का मेडिकल कराएगी ना, तो ये सच साबित हो। अंजलि, 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 अंजलि। मैंने कल तुम दोनों की बातें सुन ली थी, बहुत दुख हुआ मुझे, पूरी रात नींद नहीं आई। लेकिन फिर सोचा कि नागिन की कोख से तो सपोले ही जन्म लेंगे,
हिमांशु जैसे फरिश्ते कहाँ? वैसे तो मेरा इकबाल जुर्म और गवाही काफी है तुम्हारी गिरफ्तारी के लिए, लेकिन फिर भी अगर तुम अपनी गलती मान लो और अपने गुनाह कबूल कर लो तो भगवान चाहे हमें माफ करे ना करे, हिमांशु हमें जरूर माफ कर देगा। गवाही देगी तू मेरे खिलाफ? सजा दिलाएगी मुझे अपने बेटे को? तो तुझे बेटा और मुझे माँ का मतलब समझ आता ना तो हमें आज ये दिन देखना ही नहीं पड़ता। तू फिक्र मत कर, फिक्र मत कर, मेरा तो आज भी कुछ नहीं। गवाही के लिए जिंदा ही नहीं छोड़ूंगा। हिमांशु